सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल टॉप न्यूज नेटवर्क्स, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। भारत ने पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान में जाने वाले अपने पानी को रोकने का फैसला किया है। इसके तहत भारत जम्मू कश्मीर में बहने वाली 3 नदियों के पानी में अपने हिस्से को पाकिस्तान नहीं जाने देगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमले के बाद से पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत सरकार ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया है और वहां से आने वाले सामान पर 200% ड्यूटी बढ़ा दी है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी उस पर दबाव बनाया जा रहा है। बता दें विश्व बैंक की मध्यस्थता के बाद 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। तब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने इस समझौते पर मोहर लगाई थी। संधि के मुताबिक भारत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, व्यास और रावी नदी का पानी देगा। मौजूदा समय में इन नदियों का 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को ही मिलता है। अगर भारत ने नदियों का पानी पाकिस्तान को देना बंद कर दिया तो पाकिस्तान की कृषि और जल आधारित उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की आधे से ज्यादा खेती इन्हीं नदियों के पानी पर निर्भर है। हालांकि सिंधु जल संधि तोड़ने के मुद्दे पर जानकारी एक राय नहीं है। ज्यादातर का मानना ये है कि ये समझौता पिछले 58 साल से बगैर किसी रुकावट के जारी है। इस दौरान भारत पाकिस्तान के रिश्ते कई बार बद से बदतर हुए, लेकिन सिंधु जल संधि पर कोई असर नहीं पड़ा। सिंधु जल संधि के बाद भारत पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध हुए। दोनों देशों के बीच जंग 1965 में हुई, 1971 में बांग्लादेश की आजादी की जंग हुई और 1999 में कारगिल युद्ध। साथ ही कई आतंकी हमले होने के बाद भी सिंधु जल संधि बरकरार रही। हालांकि 2002 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस संधि को खत्म करने की मांग जरूर उठी थी। बता दें पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोके जाने से उसका बड़ा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। उसके एक बड़े हिस्से में लोग प्यासे रह जाएंगे। बिजली को लेकर हाहाकार मच सकता है, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से पाकिस्तान के कई बिजली प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान में किसानों के सामने बड़ा संकट आ सकता है और पहले से कर्ज में डूबा पाकिस्तान ये झटका सहन नहीं कर पाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए टॉप न्यूज नेटवर्क्स के साथ। धन्यवाद।